हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ बनाए हुए ब्लाउज डिजाइंस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ब्लाउज बनाना नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, इन ब्लाउज के जो डिजाइंस हैं उनके आइडियाज़ ले सकते हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए किसी बुटीक या फिर टेलर से ऐसे ब्लाउज आप बनवा सकते हैं। एंड ये डिजाइन अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो इनके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने सारे ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियोस चैनल पे शेयर किए हुए हैं। एंड गाइज, अभी मैं आपको एक एक करके जो सारे ब्लाउज डिजाइन है आपको दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए गाइज, जो हमारा फर्स्ट ब्लाउज डिजाइन है ये मैंने यहाँ पर बोट नेक के साथ में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड इसको मैंने बैक ओपन के साथ तैयार किया है और आप लोगों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया है। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए जो इसका फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने यहाँ से प्रिंसेस कट पे बनाया है, ये देखिए। और फ्रंट से भी यहाँ पर मैंने बोट नेक की डिटेलिंग दी हुई है इसमें। सेकेंड जो ब्लाउज डिजाइन है ये देखिए, स्लीव लेस पे बनाया है और इसमें जो स्लीव्स है कोल्ड शोल्डर के साथ, ये देखिए इस तरीके की स्लीव्स मैंने यहाँ पर बनाई है। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है और आपने इस ब्लाउज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और इसका जो बैक नेक है वो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है, इसको भी बैक ओपन पे ही मैंने रेडी किया है। इस टाइप का जो ब्लाउज है आप हल्दी के फंक्शन के लिए बना सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ये देखिए। तो इनमें से आपको जो बेस्ट डिज़ाइन कौन सी लगी आप देखते जाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो नेक्स्ट डिज़ाइन है इसमें देखिए, मैंने बहुत ही प्यारी से यहाँ पर ये अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हुई है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको इस स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ में शेयर की थी। और इसको भी मैंने फ्रंट से प्रिंसेस कट पर बनाया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर मैंने ये लटकन भी बनाई हुई है। इन लटकन की वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और इसका जो बैक है वो देखिए, मैंने यहाँ पर सिंपल वी नेक बनाया है और पोटली बटन्स की यहाँ पर ये डिटेलिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी स्लीव्स है, इसकी वजह से इस ब्लाउज का जो लुक है ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप अपने लिए ऐसे ब्लाउज आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख के इसको बना सकते हैं इजीली। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये बनाना बताया हुआ है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है वो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपेरेंट ब्लाउज यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से। और जो यहाँ पर इसका नेक है इसमें मैंने यहाँ पर ये फ्रिल अटैच की हुई है। और इसका जो बैक है ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा है। आई थिंक आपको यहाँ से ये सही से नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर ऊपर देखिए इसमें ये पिक्चर ऐड कर देती हूँ आपकी, ताकि आपको इसका जो लुक है उसका पता चले। नेक्स्ट ब्लाउज देखिए, यहाँ पर इसको भी मैंने प्रिंसेस कट पे बनाया हुआ है। यहाँ पर इसको फ्रंट ओपन पे तैयार किया हुआ है। एंड इसकी भी स्लीव्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पफ वाली स्लीव्स मैंने बनाई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये पहनने के बाद। और इसमें देखिए जो फ्रंट नेक है इसमें भी मैंने बोट नेक के साथ में ये वन साइड यहाँ पर ये डिज़ाइन दी हुई है इस तरीके से। एंड जो इसका बैक है यहाँ पर देखिए वो बना के इस तरीके की डिटेलिंग मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। अगर आप इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। एंड गाइस, नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन देखिए, इसको मैंने कोट कॉलर के साथ तैयार किया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है, आप देख सकते हैं। इसकी जो कॉलर है वो मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में यहाँ पर ऐड की है। एंड गाइस, इसकी जो स्लीव्स है ये बहुत ही प्यारी है, आपने इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था काफ़ी लोगों ने। और आजकल इस टाइप की जो स्लीव्स है ये बहुत ही ट्रेंड में है और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना भी सिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने पोटली बटन्स की यहाँ पर डिटेलिंग इसमें ऐड की हुई है। एंड बैक से मैंने इसको सिंपल रखा है एकदम से, आप चाहो तो इसमें कोई डिजाइन भी ऐड कर सकते हो। अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिजाइन है ये देखिए, मैंने आपके साथ पहले भी ये वाला डिजाइन शेयर किया था। इसकी जो पफ वाली स्लीव्स है यहाँ पर नेट से मैंने ये स्लीव्स बनाई हुई है, फ्रंट से इसको प्रिंसेस कट पे बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा ये
ब्लाउज है और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इसका जो बैक है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और ये पहनने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा खुली डिज़ाइन पसंद नहीं है, ज़्यादा आपको ऐसे ओपन पसंद नहीं है, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन अपने लिए बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। एंड गाइस, नेक्स्ट जो हमारा ब्लाउज है इसको देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट से कटोरी कट पे बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको देखिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियोस मैंने यहाँ पर मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं। 30 साइज से लेकर 40 तक मैंने अभी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आगे भी मैं हर साइज़ के लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ पर देखिए जो ये साइज़ है कटोरी ब्लाउज की सारी 30 से लेकर 40 तक, उनकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। और बैक में भी मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरीके की दी हुई है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा। एंड गाइस, जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन है ये देखिए कॉलर के साथ मैंने ब्लाउज़ बनाया हुआ है, स्लीव्स में भी ये कटवर्क वाली यहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है और जो इसका फ्रंट नेक है वो देखिए बहुत ही प्यारा है। स्टैंडर्ड कॉलर इसमें देखिए मैंने अटैच की हुई है और इसका जो बैक है वो देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है। बैक में मैंने यहाँ पर बॉ बना के इसको बैक ओपन पे ही तैयार किया है, ये देखिएगा इस तरीके से। और जो इसकी स्लीव्स है इसका भी लुक बहुत ही अच्छा है, ये देखिए इस तरीके का। तो अगर आप अपने लिए ऐसा ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप देखिए इजीली बना सकते हैं, मैंने बहुत ही इजी वे में इनको बनाना बताया हुआ है आपको। एंड गाइस, जो नेक्स्ट हमारा ब्लाउज डिज़ाइन है ये देखिए स्लीवलेस है, ये वाला डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। और देखिए इसको मैंने फ्रंट से प्रिंसेस कट पे बनाया है और बैक से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है, लटकन के साथ ये डिटेलिंग यहाँ पर ऐड की हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा ब्लाउज़ है इसको मैंने स्लीवलेस पे बनाया है, इसको भी देखिए और फ्रंट से प्रिंसेस कट पे बनाया है और इसके बैक में देखिए इस तरीके से पत्ती का शेप यहाँ पर बनाया हुआ है और इसके जो लटकन है ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लटकन इसके बनाए हैं, इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा डिज़ाइन है इसको मैंने फ्रंट से 4 टक्स पे बनाया है, ये देखिए। एंड इसकी जो स्लीव्स है उसमें भी मैंने इस तरीके से ये कटवर्क का डिज़ाइन दिया हुआ है और जो इसका बैक नेक है वो देखिए बोट नेक के साथ में इस तरीके का ये डिज़ाइन बनाया है मैंने। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड गाइस, जो देखिए हमारा नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन है इसको मैंने फ्रंट से प्रिंसेस कट पे बनाया है एंड जो इसकी स्लीव्स है इसको भी मैंने जो हाफ पफ होता है जो छोटा सा पफ मैंने यहाँ पर बनाया है और जो इसका बैक है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर पोटली बटन्स की डिटेलिंग दी हुई है और इस तरीके का शेप मैंने यहाँ पर दिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा ब्लाउज डिज़ाइन है ये देखिए इसको मैंने स्टैंडर्ड कॉलर के साथ में रेडी किया है, इसके साथ में फ्रंट में भी डिज़ाइन बनाई है एंड जो इसकी स्लीव्स है ये देखिए लॉन्ग पफ वाली स्लीव्स मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है इसमें, तो इसे जो हमारा ब्लाउज़ का लुक है ये देखिए बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए आप अपने लिए ऐसे ब्लाउज डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते तो आप इन डिज़ाइन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने लिए आप किसी से बनवा सकते हैं बुटीक या फिर टेलर से, ये देखिए। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन है इसको मैंने यहाँ पर फ्रंट से देखिए प्रिंसेस कट पे बनाया है और स्लीव्स मैंने इसकी छोटी रखी है, बोट नेक के साथ इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है और इसको बैक ओपन के साथ मैंने रेडी किया है और बैक में देखिए इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है। देखिए गाइस, इन ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग की जो वीडियोज है बहुत ही इजी है, मैंने बहुत ही इजी वे में इनकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको करना बताई है। और जो नेक्स्ट हमारे ब्लाउज डिज़ाइन है इसमें भी देखिए आपको स्लीव्स और बैक दोनों में डिज़ाइन देखने को मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ पर जो
मोस्ट जो लेटेस्ट जो हमारे ब्लाउज डिज़ाइंस हैं यहाँ पर बुटीक में जो बने हुए थे वही यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने फ्रंट से प्रिंसेस कट पे बनाया है। ये देखिए गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।